समय जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, यह हमेशा अपनी ही गति से चलता रहता है, जिस कारण समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता और ना ही वो अपने जीवन में कामयाब हो सकता है। जिस तरह समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक उसी प्रकार समय भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कहते हैं बीता हुआ समय कभी वापस लौट कर नहीं आता, और यह सत्य भी है। हमारे लिए जीवन में सबसे बहुमूल्य अगर कोई वस्तु है तो वो समय ही है। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों को बचपन से ही अपना हर एक कार्य समय पर करना सिखाया जाता है। सुबह समय पर उठकर विद्यालय जाना, विद्यालय में जाकर समय पर कक्षा का कार्य पूरा करना, बड़ों का आदर करना, बुराइयों से दूर रहना, जीवन में नेक कार्य करना, यह सब विद्यार्थी काल में ही बच्चों को सिखाया जाता है। एक विद्यार्थी का परम कर्तव्य है कि वो अच्छे शिक्षा ग्रहण कर बुराइयों से दूरी बनाए। लेकिन वर्तमान में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। बहुत बार देखा जाता है कि स्कूली बच्चे, जिनकी स्कूल जाकर पढ़ने लिखने की उम्र है, वो उस उम्र में बड़े से बड़े घिनौने काम को अंजाम दे रहे हैं। नशे करना, माँ बाप का निरादर करना, आवारा घूमना, इंटरनेट का दुरुपयोग करना, अनावश्यक फैशन करना, चोरी जारी करना और अश्लील फिल्म देखकर, अश्लील गाने सुनकर, वैसे ही अदाएं करके अश्लीलता फैलाना तो मानो आजकल विद्यार्थियों की एक खास आदत सी बन गई है, जिनके चलते न तो समाज प्रगति कर रहा है और ना ही समाज में विकास हो रहा है। आए दिन नई नई घटनाएं सामने आती हैं, जिससे समाज का माहौल दूषित होता जा रहा है। विद्यार्थी के जीवन में फैली इन बुराइयों ने समाज का ढांचा बिगाड़ कर रख दिया है। नशे रूपी राक्षस की तो पूछो ही मत, इसने तो विद्यार्थियों के जीवन को बहुत बड़े ढंग से प्रभावित किया है। नशा करके विद्यार्थी अपने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। नशे ने विद्यार्थियों के दिमाग से सही व गलत कार्य के बीच के अंतर को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, अब आपको इसी विषय में एक घटना सुनाना चाहेंगे। यह घटना है पंजाब के लुधियाना जिले की, जहां शराब के नशे में धुत 10वीं के एक छात्र ने अपने पिता की उम्र के एक व्यक्ति के सिर पर ईंट मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक शिव कुमार बरौटा रोड की ग्रेवाल कॉलोनी का निवासी था, जिसकी उम्र 52 वर्ष थी। डाबा पुलिस ने मृतक के भाई प्रकाश पांडे की शिकायत पर सुखदेव नगर निवासी 16 साल के लड़के पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकाश पांडे ने बताया कि उसका भाई शिव कुमार कई साल से ग्रेवाल कॉलोनी में रह रहा था। वह लड़का अक्सर उसके भाई के पास आता था। शनिवार रात को दोनों शिव कुमार के कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे। मृतक के तीसरे भाई गोविंद प्रसाद ने बताया कि जब वह रात के समय कमरे में दाखिल हुआ तो लड़के और शिव कुमार के बीच झगड़ा चल रहा था। उसके देखते ही देखते नाबालिग ने पत्थर उठा लिया और शिव कुमार के सिर पर दे मारा। शिव कुमार लहूलुहान होकर फर्श पर गिर गया। उसके बाद आरोपी लड़का वहां से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल शिव कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। अब आप ही सोचिए, कलयुग के प्रकोप ने किस तरह बच्चों की बुद्धि को ताला लगा दिया है। जिस उम्र में बुजुर्गों का सहारा बनकर उनसे अच्छे विचार ग्रहण करने चाहिए, उस उम्र में विद्यार्थी कत्ल करने पर उतारू हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों बच्चे अपने संस्कार भूल पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़कर बुरे कामों में जुड़ रहे हैं? अध्यात्म का अभाव। माँ बाप, अध्यापक, घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षाएं तो दे सकते हैं, लेकिन आज वह उन्हें सही आध्यात्मिक ज्ञान दे सकें, यह संभव नहीं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए धनार्जन करने से अधिक महत्वपूर्ण है उनके भविष्य का निर्माण करना। उचित दिशा निर्देश देकर उनके चरित्र का निर्माण करना, ताकि वह अपने जीवन में सफल और संतुष्ट हो सकें। लेकिन वर्तमान समय में देश का भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों की नैतिकता में गिरावट आ चुकी है, जिनका उद्देश्य केवल मौज मस्ती करना रह गया है, चाहे उसका तरीका सही हो या गलत। सच बात तो ये है कि आज के बच्चों के लिए मनोरंजन की परिभाषा ही बदल चुकी है, जो केवल पतन का कारण बन रही है। आज बच्चे ही नहीं, पूरी दुनिया जिस तरह समस्याओं से जूझ रही है, उसका मुख्य कारण नैतिक मूल्यों का ह्रास होना है। जब जब नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाकर मात्र सुख सुविधाओं को पाने व स्वतः सत्ता स्थापित करने की होड़ में मनुष्य चलता है, तो वह केवल पतन की ओर ही अग्रसर हुआ है। क्योंकि सदाचार, संस्कार, नैतिक आचरण
सत्यनिष्ठा विहीन जीवन सदैव विनाशकारी ही होता है। जो भी कर्म नैतिकता के विरुद्ध होते हैं वह मनुष्य को कुछ समय लाभ अवश्य दे सकते हैं, किंतु उनका परिणाम विनाशकारी व पतनगामी ही होता है। एक जिम्मेदार नागरिक का हमेशा से ही सपना रहता है कि उसके देश का भविष्य अच्छा हो, एक सभ्य समाज का निर्माण हो जो दूसरों को प्रेरित करे, लेकिन आज वर्तमान समय के हालातों को देखकर यह सोच पाना असंभव है। और वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार करने में दिन रात प्रयत्नशील हैं, जहां सब प्रेम पूर्वक रहें, एक परमात्मा की भक्ति करें, लोगों में किसी भी प्रकार का कोई अंदरूनी या बाहरी मलिनता ना हो। ऐसा देश जहां चोरी जारी, नशा, ऊंच नीच, छुआछात ना हो। वर्तमान समय में बच्चों का विद्यार्थी जीवन बर्बाद कर नैतिक पतन की तरफ बढ़ना मानवता के विनाश का ही संकेत है। दर्शकों, इस महाविनाश को अभी भी रोका जा सकता है, बच्चों को सही मार्ग पर लगाया जा सकता है, उन्हें सुधार कर सही राह दिखाई जा सकती है। यह तभी संभव है जब घर घर में जीने की राह पुस्तक को पढ़कर उसमें लिखी एक एक बात पर अमल किया जाए। जीने की राह पुस्तक एक ऐसी अनमोल पुस्तक है जिसको पढ़ने मात्र से व्यक्ति अपना नशा, दुर्व्यसन, बुरा आचरण, अश्लील विचार त्याग देता है। इस पुस्तक में एक नेक जीवन का संक्षिप्त सार है जिसको पढ़ने के बाद पाठक को सही दिशा मिल जाती है, और यह बात जन जन के लिए वरदान सिद्ध हो रही है कि परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित यह अनमोल पुस्तक संत जी के आदेश अनुसार घर घर में फ्री पहुंचाई जा रही है। यदि आप भी इसे फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर अभी कमेंट कर फ्री में इस अनमोल पुस्तक को प्राप्त करें। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को जीने की राह बता रहे हैं जिस पर चलकर लाखों लोग सुखी व सभ्य जीवन जी रहे हैं। इसलिए ऐसे न्यूज की भी आप सभी से यही गुजारिश है कि जीने की राह अवश्य मंगाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।